और इसी के साथ रुक करेंगे बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए का एक्शन, कई जगह पर एनआईए की छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनआईए ने गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर पंजाब में एनआईए ने छापेमारी की। राजस्थान हरियाणा में भी एनआईए ने छापा मारा। दिल्ली एनसीआर में 20 जगहों पर छापेमारी की गई। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर पंजाब में एनआईए की छापेमारी। राजस्थान हरियाणा में भी एनआईए ने छापेमारी की है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद कार्रवाई हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए ने गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की। दिल्ली एनसीआर पंजाब में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई की गई है। 20 जगहों पर छापेमारी की गई है एनआईए के द्वारा दिल्ली एनसीआर में, और इसके साथ ही 20 जगहों पर छापेमारी की गई है। आपको बताएं कि टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की गई है एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, कई जगहों पर, लगभग 20 से भी ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बड़ा एक्शन। गैंगस्टरों के खिलाफ कई जगह पर एनआईए की छापेमारी। आपको बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बताएं कि एनआईए ने गैंगस्टरों के खिलाफ कई जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बताएं कि लगभग 20 से भी ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एनआईए ने गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की है। दिल्ली एनसीआर पंजाब में एनआईए ने छापेमारी की। राजस्थान हरियाणा में भी एनआईए ने छापा मारा है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से। ईशा, आप बताएं इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। एनआईए का बड़ा एक्शन जिसमें कि गैंगस्टरों के खिलाफ कई जगहों पर छापेमारी की गई है, क्या ज्यादा जानकारी है ईशा बताएं। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए जिस तरीके से जो प्रसिद्ध गायक रहे हैं पंजाब के सिद्धू मूसेवाला, उनके हत्याकांड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब जरूर लेकर आई थी, लेकिन जिस तरीके से आए दिन नए नए खुलासे हुए कि जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है उसके लिंक पाकिस्तानी जो आतंकी कनेक्शन है वो पाया गया था, आईएसआई आतंकियों के साथ उसका कनेक्शन जिस तरीके से सामने आया, यही वजह है कि एनआईए की तरफ से यूएपीए के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया और भटिंडा केंद्रीय जेल से सीधा एनआईए दिल्ली स्थित मुख्यालय में उसे लेकर गई थी और 10 दिन का रिमांड यहाँ पर एनआईए को मिला है और एनआईए की कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त है और लगातार उससे पूछताछ चल रही है। उस पूछताछ के आधार पर ही एनआईए की तरफ से आज तड़के ही दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में जो लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैं उनके ठिकानों पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और छापेमारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इनपुट एनआईए को मिले है कि जेल के भीतर से ही जो नामी गैंगस्टर हैं वो अपने गुर्गों के जरिए और जो युवा हैं उनको पैसों के जरिए कहीं ना कहीं जो आतंकी है उनकी मदद यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरीके से आतंकी कनेक्शन यहाँ पर सामने आया है, तो एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अगर बात करें, क्योंकि नॉर्थ की जेलों में सबसे ज्यादा गैंगस्टर इस वक्त बंद है, लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात है कि जेल के भीतर से ही वो अपना जो आपराधिक घटनाएं हैं उसको अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें जो उत्तर भारत की जेल है यहाँ से सीधा साउथ की जेलों में भी शिफ्ट किया जा सकता है जितने भी नामी गैंगस्टर हैं। लेकिन नामी गैंगस्टरों की अगर बात करें उसमें सबसे ऊपर नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का, जिस पर आरोप भी लगे हैं कि सिद्धू मूसेवाला को अगर किसी ने मरवाया है वो लॉरेंस बिश्नोई है, जिसने कैनेडा स्थित गोल्डी बराट की मदद से लॉरेंस बिश्नोई को मरवाया है। तो ऐसे में अब जो है कनेक्शन कहीं ना कहीं मिला है आतंकियों के साथ लॉरेंस बिश्नोई का, यही वजह है कि उसके जितने भी करीबी हैं उनके ठिकानों पर लगातार यहाँ पर रेड एनआईए की तरफ से की जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में
और भी कहीं बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस मामले में औरों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। जी ईशा, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं लवली बख्शी दिल्ली से, उनसे जानेंगे इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। लवली बताएं इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। एनआईए की छापेमारी कई जगहों पर, लॉरेंस बिश्नोई के कई ठिकानों पर जारी है। देखिए, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जब यहाँ से पंजाब पुलिस रिमांड पर लेके गई थी, उससे पहले दिल्ली के अंदर एनआईए ने अलग अलग गैंगस्टरों के घर के अंदर छापेमारी करी थी, जिसके अंदर काफी हथियार भी बरामद किए थे। कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना हो गया, टिल्लू ताजपुरिया हो, इनके ठिकानों पर, इनके गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। लेकिन उसके बाद जब आईएसआई कनेक्शन का गठजोड़ गैंगस्टरों के साथ जैसे जैसे और ज्यादा खुलता गया है, उसके मद्देनजर एनआईए की ना जो रेड है, छापेमारी है, और जो जांच का नतीजा है वो भी और ज्यादा तेज होता गया। लेकिन अभी जब लॉरेंस बिश्नोई को 12 दिन के रिमांड पर एनआईए अपने पास दिल्ली लेके आई है, जब से दिल्ली आई है पिछले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के अंदर तकरीबन 30 से 35 पिस्तल पकड़ी है। और लॉरेंस बिश्नोई और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेरी गैंग के ही लोग थे जो पिस्तले ला रहे थे और यहाँ पर सप्लाई कर रहे थे। लेकिन ये सारा का सारा गठजोड़ जो ये बाहर से गुर्गे आते हैं, जो इनके गैंगस्टरों के जो साथी होते हैं, इनको फंडिंग हो रही है आईएसआई ग्रुप से, आतंकी ग्रुप से। इसका जो गठजोड़, इसके कई सबूत मिले हैं, कई चैट मिली है एनआईए को, जिसको लेकर ये लगातार छापेमारी, आज 6 जगह तकरीबन छापेमारी चल रही है इस समय, तो दिल्ली के जो ठिकाने हैं इनके उस जगह पर। लवली बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।